ECGC PO 2023 का नोटिफिकेशन आपका 19 अप्रैल को आने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लगातार प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि हर पर्टिकुलर आपके दो पेपर होंगे। आपका एक होगा MCQ, दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव, दोनों एक ही दिन में आपके कंडक्ट होंगे। 200 मार्क्स का MCQ होगा, 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, और दोनों के मार्क्स आपके कंसिडर होते हैं आपका कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल आपका जो सेक्शनल कट ऑफ रहता है वो आपका रहता है, ठीक, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश में 9.75 रहता है, और ये लगभग हर साल सेम रहता है। कंप्यूटर नॉलेज में आपका 16.25 आपका रहता है, जनरल अवेयरनेस में 9.5 रहता है, क्वांट में 4.75 रहता है, डिस्क्रिप्टिव में आपका 11.75 जो है, 11.75 जो है वो कहीं ना कहीं आपका रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जनरल का रहता है। OBC का क्या, EWS का भी सेम इसी तरीके से आपका रहता है, मतलब जनरल और EWS का दोनों के यहाँ पे सेम रहता है। OBC की बात करें तो OBC में 5.25 रहता है इंग्लिश में, कंप्यूटर में आपका 12.75 रहता है, जनरल अवेयरनेस में 7.5 रहता है, क्वांट में आपका 2.25 रहता है, डिस्क्रिप्टिव में 7.5 आपका रहता है। तो ये आपका OBC का रहता है, और OBC SC ST का भी लगभग लगभग आपका जो सेम होता है, HI और फोर्थ कैटेगरी जो भी आपका रहता है वो लगभग लगभग उन सभी का जो सेक्शनल कट ऑफ वो सेम रहता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ओवरऑल कट ऑफ जो है वो आपका कितना गया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सिर्फ आउट ऑफ 200 में अगर हम बात करें कि कितना कट ऑफ था, तो आउट ऑफ 200 में 103 आपका था EWS का, OBC का 96.25 था, SC का 110 था, ST का 118 था, और UR का 111.5 था। अब आप लोग कहोगे कि यार SC ST का कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई क्यों चला गया, वो इस वजह से चला गया कि एक तो SC ST में वैकेंसी कम थी, दूसरा जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा उन्होंने SC ST का रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन रहता है वो इन्होंने लिया होगा, जिसके कारण से इनकी कट ऑफ गई और ये ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी जनरल में सिलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, लगभग जनरल के आसपास ही कट ऑफ 110 है, और ST की तो बहुत ज़्यादा गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि 240 में कितना जो कट ऑफ था, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव और MCQ पेपर मिला के 240 का था, उसमें कितना कट ऑफ गया था उसमें बारे में बात करते हैं। तो EWS में आपका 138.5 था, OBC में 139.5 था, SC में 134.75 था, ST में 126.5 था, UR में 147.25 मार्क्स जो थे वो आपके थे ECGC PO में, आपके ओवरऑल कट ऑफ आपका ये था। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ था ये आपका लास्ट ईयर का था। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इंटरव्यू का क्या था, तो इंटरव्यू का मैं आपको जो है वो आपको प्रीवियस ईयर का बताता हूँ, मतलब 2018 में जो आपका आई हुआ था, क्योंकि 2022 का भी कुछ भी पता नहीं चल पाया कि भाई इंटरव्यू में क्या था, लेकिन जो 2018 में जो रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ था उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल जो आपका 300 में जो आपका जो इंटरव्यू और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था वो दोनों मिला के आपका जनरल में आपका 238 आपकी गई थी, इंटरव्यू का भी पूरा कंसीडर करें, फाइनल जो मैं बता रहा हूँ जनरल की 238.5 गई थी, OBC की 211.75 गई थी, ST में 201.5 गई थी, ST में 185.25 गई थी, और PWD में 194.09 गई हुई थी। ये जो कटाव है आपकी 2018 की है, आपका जो CBT और इंटरव्यू मिला के, लेकिन 2000 जो लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का सिर्फ मैंने आपको रिटर्न का ही बताया, क्योंकि इंटरव्यू का उसमें कुछ भी आपका मेंशन जो है वो आपका नहीं है कि भाई कितना जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका गया था। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो भी आपको अपडेट रहेंगी यहाँ पे आपको टाइमली मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर करना मत भूले, और बाकी जो भी क्वेरी आप सभी इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आने वाली अपडेट।